नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल बाबा जी में। मैं हूं आप सभी का दोस्त सुधांश, और आज हम लोग बात करेंगे कि अपना कस्टम यूआरएल, अपने चैनल का, यूट्यूब चैनल का कस्टम यूआरएल कैसे लें, वो क्लेम कैसे करें कस्टम यूआरएल के लिए जब आपके 100 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं। शुरुआती के जब 100 सब्सक्राइबर जब पूरे हो जाते हैं आपके, तो आप अपना कस्टम यूआरएल ले सकते हैं। तो उसको कैसे लेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे। अब कस्टम यूआरएल होता क्या है, बहुत लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कस्टम यूआरएल, जैसे मान लो आप अपने चैनल का लिंक कॉपी करते हो तो आता है www.youtube.com/abc, ऐसे कुछ लिख के आता है, कुछ ऐसे इस प्रकार मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा रहा हूँ, अब देख सकते हैं कुछ ऐसा लिख के आता है। बट मान लीजिए आपका कोई टेक का चैनल है, जैसे मेरा ले लीजिए, मान लीजिए मेरा चैनल टेक्निकल बाबा जी है, तो अगर www.youtube.com/technicalbabaji कोई सर्च करता है गूगल पे भी जाके, या फिर अलग से एक ब्राउजर लेंगे किसी ब्राउजर में, तो सीधे मेरे यूट्यूब चैनल पे लेके चला जाएगा। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं अगर आपने अपना कस्टम यूआरएल नहीं लिया है। तो कैसे क्लेम करेंगे, इन सब विषय पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल टेक्निकल बाबा जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, आपका एक सब्सक्राइबर मेरे लिए अमूल्य है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए चलते हैं क्रोम ब्राउजर में। आपका जो यूट्यूब का जो एप्लीकेशन होता है उससे नहीं होगा, क्रोम ब्राउजर से करना होगा इसको। क्रोम ब्राउजर ओपन करते हैं और अपना यूट्यूब चैनल ओपन कर लीजिए। मैं फिर से नया पेज ले लेता हूँ, ये कोई खुला हुआ था पहले से, तो मैं नया पेज फिर से ले लेता हूँ और यहाँ पे youtube.com सर्च करता हूँ। youtube.com सर्च करना है। youtube.com सर्च करने के बाद इसको ले जाना है आपको डेस्कटॉप मोड पे, डेस्कटॉप साइट मोड पे ले जाइए इसको। ये फ़ोन आपका आ गया डेस्कटॉप साइट मोड पे। अब इसके बाद इसको जूम करिए थोड़ा साइड में, ये देखिए आपके चैनल का जो लोगो आता है उस पर टैप करिए। टैप करने के बाद आप अपने माई चैनल में चलिए, माई चैनल में चलिए। उसके बाद पहले जो होता है, मैं बता दूं कि कस्टम यूआरएल तभी ले सकता है जब आपके 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हों। उसके बाद क्रिएटर स्टूडियो में चलना है आपको। अगर आप वीटा वर्जन यूज़ करते हैं तो वीटा में भी जा सकते हैं। ये खुल रहा है, ये कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको चलना है चैनल पे, चैनल में जाना है, वो चैनल को जूम करिए और यहाँ देखिए कस्टम यूआरएल का एक ऑप्शन आएगा, तो इसको इनेबल कर देना है आपको। जैसे इस पे इनेबल पर टैप करिएगा, चैनल सेटिंग यू इनेबल टू कस्टम यूआरएल क्लेम इट, मतलब ये इनेबल तभी लिखेगा जब आपके 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए होंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं लिखेगा। तो इसको मैं जूम करता हूँ और मैं क्लिक हेयर पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक हेयर पे करूँगा तो ये पूछ, ये देखिए ये youtube.com/technicalbabaji, ये जो है मेरा यूआरएल ऑलरेडी ये बोल रहा है कि ये है, उसने खुद दे दिया, मतलब ये खुद दे देता है। आप चाहें तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, ऐड एंड फ्यू, इसके देखो आगे जो दिया हुआ है यहाँ पे टैप करके आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं, बट चैनल का नाम ही रखें तो बेहतर है। कस्टम यूआरएल में आप अपने चैनल का नाम ही रखें, यही बेहतर है। तो आई हैव रेडी एंड एग्री, तो इस पर टैप कर देना है। उसके बाद चैलेंज, ये एक मिनट रुक जाइए, मैनी पीपल यू हैव सम नेम, मतलब इस नाम से किसी ने ले रखा है, तो ये सब चीज़ें ध्यान दें। youtube.com टेक्निकल बाबा जी, एक मिनट, इसके साथ कुछ अलग हमको लेना होगा। ये मैंने चैनल स्टार्ट करा था 2018 में, मैं 18 ही लगा देता हूँ इसके आगे 2018। ये देखिए चैलेंज यूआरएल, चेंज यूआरएल पर टैप करिए, थोड़ा वेट कर लीजिए। हाँ देखिए, तो जैसे इसको करिएगा तो ये मैंने, ये हो गया मेरा youtube.com/technicalbabaji2018, कंफर्म कर दीजिएगा। थोड़ा टाइम लेगा,
और ये कुछ ऐसा खुल के आ जाएगा। मेरा कस्टम यूआरएल हो गया। अब तो ये देखिए, हम चलिए इसको खोल के दिखा देते हैं। एक नया पेज ले लेते हैं और इस पर सर्च करते हैं www.com/ का ऑप्शन ये स्लैश यही हम लोगों ने क्लेम करा था। इसको हम लोग जैसे ही एंटर मारेंगे ये सीधे हमारे पेज पे लेके चला जाएगा। तो ये आप लोगों ने देखा कि आसानी से आप अपना कस्टम यूआरएल कैसे ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अपना कस्टम यूआरएल कैसे लें आसानी से। बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया कि अपना कस्टम यूआरएल कैसे क्लेम करें और अपने हिसाब से उसको बनाएं। अब कस्टम यूआरएल कितनी बार ले सकते हैं? आप कस्टम यूआरएल पहले था कि एक बार ही ले सकते हैं, बट आप चाहें तो बदल भी सकते हैं कस्टम यूआरएल अपने हिसाब से। मतलब अगर चाहते हैं दूसरा लेना तो बदल भी सकते हैं। पहले एक ही जो ले लिया वही था, अब बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।